हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों एंटोर्क का जो बियरिंग का प्रॉब्लम था वो जो वीडियो है उसका आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट तो देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर मैं आपका आई बटन में भी दूंगा और आप लोग मेरे चैनल में जाकर भी देख सकते हैं। तो आज होगा सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको साफ करेंगे, उसके बाद हम लोगों ने नया बियरिंग जो है उसको लाया है और उसको भी गास्केट जो है उसको साफ करेंगे और नया बियरिंग को इधर में लगाएंगे और बियरिंग के ऊपर ये ऑयल सील देते हैं इसको भी लगाएंगे और उसके बाद हमारा फिटिंग का प्रोसेस आज होगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आप लोग मेरे चैनल में जाकर भी देख सकते हैं। तो पहले गास्केट को साफ करेंगे इधर से भी और इधर में भी गंदा है गास्केट देख सकते हैं, इसमें भी साफ करेंगे। तो गास्केट को साफ कर लेंगे उसके बाद हम इसमें एनाबोन यूज़ करेंगे, नहीं तो लीकेज का प्रॉब्लम आएगा। तो जल्दी से इसको साफ करके लेते हैं, उसके बाद आगे क्या क्या होगा देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं इसको हम लोगों ने साफ कर दिया है और इधर में गास्केट को भी थोड़ा सा हटा दिया है, देख सकते हैं जितना हो सके जितना जा रहा है उतना हटा दिया है। अभी आपका ये जो है ये पुली को भी साफ कर दिया और ये आपका गियर को भी साफ कर दिया और इसको भी साफ कर दिया और इधर में भी देख सकते हैं पूरा साफ कर दिया। तो उसके बाद अभी काम है इसमें बियरिंग बिठाना है, उसके बाद जितने भी सारे आपका गियर है उसको अंदर में बिठाना है इसमें और उसके बाद हमारा काम जो है वो 50% हो जाएगा। तो अभी इसको ये जो बियरिंग है इसको लगाते हैं और ये जो बियरिंग है ये मैंने YouTube में बहुत ढूंढा क्योंकि बियरिंग का नंबर चाहिए, सभी बियरिंग में एक एक नंबर होता है आप लोगों को पता है शायद। तो ये जो बियरिंग है इसका नंबर है 6205। तो ये आपका एंटोर्क का जो मेन बियरिंग है उसका नंबर है 6205। ये बहुत लोगों को हेल्प करेगा क्योंकि मैंने भी बहुत ढूंढा यूट्यूब में लेकिन नहीं मिला, ये बियरिंग का साइज़ है 6205। तो बियरिंग मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पुराना वाला और नया वाला बियरिंग। ये रहा पुराना बियरिंग और ये रहा नया बियरिंग, इसका प्राइस मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। एकदम जेनुइन है TVS का, 295 इसका MRP है देख सकते हैं और साइज में आप लोगों को दिखा देता हूँ। इधर में लिखा हुआ है शायद आएगा कैमरा में, ये देख सकते हैं 6205 है इसका साइज। तो इसको इधर में बिठाएंगे और उसके बाद ये एक स्प्रिंग है और एयर फिल्टर भी चेंज होगा, ये देख सकते हैं एकदम जेनुइन एयर फिल्टर है। तो अभी इसको इसमें बिठाना है आसानी से, थोड़ा सा ग्रीस अप्लाई कर लेना तभी आपका इजी होगा या फिर इंजीनियर भी इजीली जाएगा ये जो है। तो अभी इसको बिठाते हैं, तो बिठा उसको ऐसा आसानी से बैठ जाना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा हैमर से इसको मारेंगे उसके बाद हमारा बियरिंग जो है वो आसानी से चला जाएगा। ये बियरिंग जो है उसको हम लोगों ने बिठा दिया है देख सकते हैं, पूरा अंदर तक जाना चाहिए ये और नंबर मैंने बता दिया 6205 और उसके बाद ये जो सील है ये बैठेगा इस तरीके से और इसको ऐसे बिठाने के बाद थोड़ा सा हाथ थोड़ा सा इसको मारेंगे उसके बाद ये आसानी से बैठ जाएगा। ऑयल सील भी बैठ गया, अभी इसमें एनाबोन लगाना बाकी है और उसके बाद इधर में बिठाएंगे और पहले ये जो शाफ्ट है या गियर है इसको बिठाएंगे इसमें और इसके बिठाने का तरीका है मैं आप लोगों को कैसे बिठाता है वो एकदम सिंपली दिखा देता हूँ, आप भी बिठा सकते हैं ऐसे। तो बियरिंग को लगाने के बाद एक बार आप लोग गियर लगा के दिखा देना जो साफ रहते हैं, ये आसानी से घूमना चाहिए इसे, तो एकदम प्रॉपर है। अभी क्या करेंगे इसको बिठाने का तरीका है कैसे बिठाते हैं मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। पहले ये वाला जो गियर है इसको ऐसे नीचे में रखना है और उसके बाद ऐसे रखना है नीचे में, उसके बाद इसको ऐसे बिठाना है, देखिए आसानी से बैठना चाहिए, देखिए बैठ गया, देखिए ऐसे बिठाना चाहिए नहीं तो आपका बहुत टाइम लगेगा इसको बिठाने में। अभी एकदम प्रॉपरली बैठ गया, देखिए पूरा घूम रहा है तो ऐसे फ्रीली घूमना चाहिए, तो ये प्रॉपरली बैठ गया। अभी इसको इसमें एनाबोन लगाते हैं और उसके बाद इसको फिटिंग करते हैं। तो जल्दी से एनाबोन में लगा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को फिटिंग का प्रोसेस दिखा देता हूँ। सीलन लगाने का काम चल रहा है और अगर आप लोगों के पास गास्केट हो तो सीलन लगाने की जरूरत नहीं है, सीलन को पूरा लगा दिया इधर में देख सकते हैं, पूरा कम्प्लीटली लगा दिया है। अभी इसको इधर में बिठाते हैं जल्दी से। तो बिठाना भी एकदम सिंपल है, ऐसे पकड़ के ऐसे उठाना और आराम से बिठाना है इसको, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं, आराम से बिठाना है ऐसे, आसानी से बैठ जाएगा, देखिए आसानी से बैठ जाता है ये जो। अभी पूरा बैठ गया, अभी बाहर से सीलन आएगा उसको पोस देंगे अच्छे से और जितने भी सारे बोल्ट हम लोगों ने खोला था 12mm की 13mm की था उसको लगाएंगे। तो ये रहा 13mm की बोल्ट, इसको एक तरफ से लगाना है, देखिए आराम से लगाना है नेट को थ्रेड खराब हो जाएगा, जितने भी सारा था उसको लगाएंगे अच्छे से, उसको टाइट करेंगे हल्का हल्का करके और इंजन का जो भी काम करें आप क्रॉस बैक क्रॉस टाइट करना,
तभी आपका टाइट जो है एकदम प्रॉपरली होता है। अभी हम लोग थोड़ा सा इसको टाइट कर रहे हैं, जब हम लोग मेन टाइट करेंगे तो उसको क्रॉस बाय क्रॉस टाइट करेंगे। सर एक बार 13 mm का बोल्ट था उसको हम लोगों ने टाइट कर लिया है। अभी इधर में एक 10 mm की बोल्ट रहते हैं जो कि ब्रेक केबल को ऐसे पकड़ कर रखते हैं। कैसे रहते हैं मैं दिखा रहता हूँ आप लोगों को। केबल रहते हैं कुछ इस टाइप से, देख सकते हैं इसको भी लगा दिया है। इधर में एक पाइप है जिसको हम लोग अभी लगाएंगे, ये वाला पाइप है और स्पीडोमीटर की सेंसर है। दोनों को लगाने के बाद ब्रेक शू लगाएंगे और आपका पास का साइड को लगाएंगे। तो पहले ये पाइप को लगा लेते हैं और स्पीडोमीटर की सेंसर को लगा लेते हैं। तो अभी देखिए स्पीडोमीटर की जो सेंसर थी उसको भी हम लोगों ने लगा दिया है। अभी ये पाइप लगाना बाकी है, उसके बाद हमारा इधर का काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्पीडोमीटर की सेंसर में 2 mm की बोल्ट रहते हैं जिसको हम लोग टाइट कर दिया है, देख सकते हैं। एक को टाइट किया, एक को भी करेंगे टाइट। तो इसको लगाने के बाद एक बार आपका साबी ऑन करके देखेंगे कि आपका स्पीडोमीटर की जो सेंसर है वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। क्लास को लगा रहे हैं और क्लास ऐसे लगाना है, उसको प्रेस करना है और बेल को थोड़ा सा खींचना है और ये आसानी से बैठ जाएगा। तो इसको प्रेस करो थोड़ा सा, ऐसे अंदर तक जाएगा बेल, उसके बाद ये आसानी से बैठ जाएगा। तो देखिए आसानी से बैठ गया। अभी आपका क्लास का जो कतार है उसको लगाएंगे, बैठ गया। अभी क्लास का कतार का लगाएंगे, तो इधर में है कतार, उसको लगाएंगे, ठीक है, लग गया। उसके बाद क्लास का जो कवर है उसको लगाएंगे और उसके बाद ब्रेक शू लगाएंगे, कुल लगाएंगे, उसके बाद हमारा जो काम है एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से लगा कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो का जो काम है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, अभी सिर्फ गियर ऑयल डालना बाकी है। बाकी व्हील वगैरह हम लोगों ने लगा दिया है। अभी गाड़ी को आपका गियर ऑयल को डालते हैं, उसके बाद गाड़ी को एक बार टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं कि अभी व्हील जो है वो जाम हो रहा है क्या, चला के देखते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों होते हैं। तो अभी इसको गियर ऑयल को डालते हैं, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। काम जो है वो एकदम कंप्लीट हो चुका है। अभी एक बार मैं आप लोगों को स्टार्ट देख के दिखा देता हूँ ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ कि नहीं। पहले तो आपका व्हील जो है वो पूरा जाम था। अभी देखिए गाड़ी को स्टार्ट किया, एकदम फील घूम रहा है, देख सकते हैं। और आपका लीकेज का प्रॉब्लम को देख लेंगे, लीकेज कहीं से हो रहा है क्या। लीकेज तो अभी तक दिखाई नहीं दिया, उसका मतलब है एकदम प्रॉपरली काम जो है वो हमारा हो चुका है। अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों होता है। और ये जो आपका एंटोर का बियरिंग का प्रॉब्लम था, ये बहुत कारणों की वजह से होता है। या तो आपका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो सकता है, या फिर आपका कभी कभी क्या होता है, ये जो एंटोर का मैंने काम किया इसका जो गियर ऑयल है वो बहुत ज़्यादा कम था, जिसके वजह से बियरिंग के अंदर का फ्रिक्शन जो है वो एकदम कट गया था, जिसके वजह से बियरिंग जो है वो जल्दी से ख़राब हो गया। क्योंकि गाड़ी ज़्यादा चला भी नहीं, 10,000 किलोमीटर ऐसा कुछ चला है गाड़ी, तो इसके वजह से आपका बियरिंग का जो प्रॉब्लम है वो आपके साथ भी हो सकता है, और मैंने जो काम किया वो एंटोर का भी सेम प्रॉब्लम है। तो आप लोग गियर ऑयल को चेक कीजिएगा आपका 10,000 किलोमीटर या फिर 20,000 किलोमीटर के बाद आप लोग एक बार गियर ऑयल को चेक करना, और कम है तो टॉप अप कर देना, तभी आपका ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर आपका गियर बॉक्स में गंदा होगा तो भी ऐसा प्रॉब्लम होते हैं। तो होप करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आई बटन में भी आ रहा होगा, या फिर आप लोग मेरे चैनल में जाकर विजिट भी कर सकते हैं।